आयुर्वेदा क्या है, ठीक है? नॉर्मली ये माना जाता है कि बीमार होना और ट्रीटमेंट लेना, दिस इज लाइक पैथी, बट आयुर्वेदा इज नॉट जस्ट अ पैथी, इट्स द साइंस ऑफ लिविंग लाइफ. आयु और वेद, आयु मतलब आपकी एज, लाइफ, और वेद मीन्स नॉलेज, आपकी लाइफ का नॉलेज आपको होना इज आयुर्वेद. सो इट इज द पार्ट ऑफ लाइफ, हमारी लाइफ का पार्ट है ये. तो अगर हम यंगस्टर्स की बात करें तो वॉट इज हेल्थ, हेल्थ क्या है? तो आयुर्वेद कहता है सम दोष सम अग्नि सम धातु मल क्रिया, मीन्स फिजिकल हेल्थ. हमारी जो बॉडी है वो तीन दोषों से बनी है आयुर्वेद के हिसाब से. वात पित्त कफ, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों की एकदम नई टर्मिनोलॉजी है, बट पूरी बॉडी को हमारी वही गवर्न कर रहा है, वात पित्त और कफ. जितने मूवमेंट्स होते हैं हमारे शरीर में, चाहे हम हाथ हिला रहे हो, चाहे आइस बिंग कर रहे हो, चाहे खाना खा रहे हैं वो नीचे जा रहे हैं, चाहे ब्लड इधर उधर सर्कुलेट हो रहा हो, चाहे हार्मोन्स इधर उधर हो रहे हो, चाहे न्यूरॉन्स ट्रैवल कर रहे हो, जो भी ट्रैवलिंग हो रही है बॉडी में वो वात देखता है. पित्त पूरा डाइजेशन दिखता है, मेटाबॉलिज्म दिखता है, एनालिसिस दिखता है, जैसे आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं वो जो प्रोसेसिंग हो रही है वो पित्त देख रहा है. देन कफ, कफ पूरा हमें स्टेबिलिटी देता है, मीन्स हमारा ठहराव. जैसे हम शरीर पूरा जॉइंट से जुड़ा हुआ है पर हम ऐसे गिरते नहीं हैं, स्ट्रेट खड़े हैं, वो बैलेंस कफ दे रहा है. हमारा मेंटल बैलेंस कफ दे रहा है. मेमोरी, कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी रिलेशनशिप को लंबा मेंटेन करने वाली जो टेंडेंसी है वो कफ देता है. तो जहाँ जुड़ाव है, मतलब चाहे जॉइंट्स को जोड़ रहा हो, चाहे सर, हर ऑर्गन, हर टिश्यू अपनी जगह स्थित है, ऐसे हिलते डुलते नहीं रहते, लंग्स इधर से उधर नहीं हो रहा है, हार्ट, वो जो स्टेबिलिटी है वो पूरा कफ दे रहा है. तो बेसिकली ये तीन दोष है जो हमारे पूरे शरीर को गवर्न कर रहे हैं. देन सम अग्नि, अग्नि जठराग्नि, जो हमारी मेन अग्नि होती है. अभी सारा खेल अग्नि का हो रहा है, ठीक है? जितनी बीमारियां हो रही है, अभी आप ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में अगर सुन रहे हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको सारा कोई जानता है, ऐसी कम से कम 200-400 बीमारियां हैं जो ऑटो इम्यून है. ऑटो इम्यून मतलब हमारा शरीर हमारे अगेंस्ट है, ठीक है? ऐसे हमारा शरीर क्या कर, अभी कोविड ने हमें अटैक किया तो हमारा शरीर रक्षा करने में लग जाता है, फाइट करने में लगता है. ऑटो इम्यून में हमारा शरीर हमारे अगेंस्ट है, तो फिर कौन लड़ेगा हमारे शरीर के लिए? तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा खुद, हम अपने सिस्टम के अगेंस्ट कुछ काम कर रहे हैं जो हमारी बॉडी को नहीं जम रहा है, ठीक है? तो वो अग्नि का रोल है. जहाँ अग्नि मंद हुई, मतलब कम हुई, वहाँ पे सारे दोष आने लग जाते हैं. क्योंकि आप खाना तो बराबर खा रहे हो, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सब टाइम टू टाइम चल रहा है, भले ही आपका पेट साफ हुआ हो या नहीं हुआ हो, राइट? किसी को कॉन्स्टिपेशन है सुबह और वो नाश्ता स्किप कर रहा है या लंच स्किप कर रहा है कि चलो आज सिर्फ फ्रूट पिएंगे या सिर्फ पानी पिएंगे या सिर्फ छाछ पी लेंगे, कोई नहीं कर रहा है, सब अपने शेड्यूल से.